अब आगे कुछ हो उसके पहले मैं भागती हूँ। जॉनी, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या लगा रखा? ओह, परफ्यूम। वेला जी का है। वेरी गुड। हाँ, इंपोर्टेड है। What? तुमने मेरा परफ्यूम लगाया? 10,000 रुपए का है वो। अरे मारो गोली तुम्हारे परफ्यूम को। जॉनी, दो बातें ध्यान से सुनो। पहली, तुम प्रिया से दूर हो। दूर मतलब बहुत दूर, समझे? और दूसरी बात, ये जीएम बनने का नाटक बंद कर दो, क्योंकि बहुत जल्द बॉस को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी कि जीएम तो दूर, तुम पियोन बनने के लायक भी नहीं हो। दगाबाज, धोखेबाज, पतंगबाज, ला सॉरी। कमाल करते पांडे जी, आप भी कमाल करते हो। वैसे पांडे जी, दगाबाज हम नहीं है, दगाबाज आप है। मैंने क्या किया? आपने क्या किया? हमसे पूछ रहे आप? कोई बात नहीं, हम बता ही देते हैं पांडे जी। एक तरफ तो आप प्रिया जी के साथ प्यार का इलू इलू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जीनी जी के साथ लव का ढिंक चिका ढिंक चिका। बात तो ये ठीक कह रहा है। विला, मिस्टर, ये ना बकवास बंद करो तुम, समझे? बकवास हम नहीं पांडे जी, आप कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब जल्दी से आप डिसाइड कर लीजिए आपको किसके साथ रहना है, सुमन जी के साथ या रंजू जी के साथ। उसके बाद आप हमसे कहेंगे कि सुमन जी से दूर रहो जॉनी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, ठीक है पांडे जी? सी यू पांडे जी, बाय। यार विकी, तू डिसाइड कर क्यों नहीं लेता कि तुझे किसके साथ रहना है? ओके, इट्स ऑलराइट, टेक अ टाइम। जिनी, जूजू, आप इतनी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है? अब तक कुछ भी ठीक नहीं था जिनी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब? मुझे एहसास हो गया जिनी कि भले ही मैं अपने आप से कितना भी झूठ बोल लूं, लेकिन सच ये है कि आए आए आई लव। हाँ जूजू, आई लव, आई लव यू जिनी। हाँ जिनी, मुझे एहसास हो गया कि मैं प्रिया से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। सच? जूजू, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आखिर आप मेरे जूजू बन ही गए। कितनी शर्म आ रही है? ये क्या? अरे मैंने तुमसे आई लव यू कहा जीनी, और तुम इतना ही शर्म आ रही हो? थोड़ा और शर्मा लो, थोड़ा सा और। जूजू, ये सपना था? कोई बात नहीं, ये सपना भी एक दिन पूरा हो जाएगा। जूजू को मुझसे आई लव यू कहना ही पड़ेगा। वेला, इससे पहले कि वो जॉनी हमारी खुशियों के टाइटैनिक में होल करे, हमें उसे यहां से कॉल करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? कम या या प्लान इज रेडी। इस फाइल पे हमें जॉनी के सिग्नेचर्स चाहिए। कूल, लेकिन मुझे क्या करना होगा? गुस्सा मत हो यार, मैं सिर्फ देख रहा था कि तुझे मालूम है या नहीं। ओके,
जॉनी अता तू केला रे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉनी बॉस ने ये वेला जी अच्छा आप यहाँ पे आ गए चलिए अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी मदद कैसी मदद देखिए हमें सुमन जी को एक गिफ्ट देना है तो आप बताइए इन दोनों पर्स में से कौन सा ज्यादा सुंदर पर्स है बताइए अरे लेकिन पर्स है कहाँ यहीं पे तो है देखिए अब वो छोड़िए देखिए बॉस ने बहुत जरूरी कागज पे आपके सिग्नेचर्स मांगे हैं सो प्लीज इफ यू कैन अभी कर देते हैं देख ओके थैंक यू अरे बता के तो जाइए कौन सा ज्यादा सुंदर पर्स है ये सिल्वर वाला ठीक है ये दे दो थैंक यू अब हम ये गोल्डन पर्स सुमन जी को गिफ्ट करेंगे कमाल है जब खुद की करनी है तो मुझसे पूछता क्यों है हेलो चार्ली आसमान पे कितने तारे हैं हेलो चैपलिन हम तुम्हारे हैं फाइल पे साइन हो गए हो गए शाबाश लेकर आओ इट्स ऑन द वे गिव इट टू मी देयर यू गो Are you all right? Now I'm all right. सुनो, मैं बॉस के केबिन में जा रहा हूँ जॉनी को लेकर आओ Sure. एक बात और ना तुमने मुझे देखा ना मैंने तुम्हें देखा एक्सीडेंट हो गया रपरपा बकवास बंद करो ओवर एंड आउट चार्ली ओके Excuse me, sir. Sir? सर आपको पता है आपने कंपनी के लिए जो नया जनरल मैनेजर रखा मिस्टर जॉनी वो क्या गुल खिला रहे तो, क्या हुआ क्या हुआ देखिए सर गौर से देखिए पढ़िए सर मिस्टर जॉनी ने हमारे कंपनी के एयरक्राफ्ट हमारे कंपटीटर को 50% डिस्काउंट रेट्स में बेचने के लिए ये पेपर्स तैयार किए सर और तो और उन्होंने इन पेपर्स पर सिग्नेचर भी कर दिया सर मैंने देखिए क्या लिखा है जॉनी गद्दार फुल नेम इसकी इतनी हिम्मत बोलो पता नहीं क्या देखकर मैंने इसे जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया आओ जॉनी सर जॉनी सर हेलो सर जॉनी क्या इन पेपर्स पर तुमने साइन किए यस 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 सुन लिया आपने फाइल इज क्लोज्ड सर निकाल दीजिए इमीडिएटली यस जॉनी मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं चलो निकल लियो चलो ना जी इतनी भी क्या जल्दी है कमाल करते हो सर आप हमें नौकरी से निकाल तो सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते नहीं निकाल सकता क्यों नहीं निकाल सकता मैं इस कंपनी का बॉस हूं और मैं जब चाहूं जिसको चाहूं नौकरी से निकाल सकता यस आप इस कंपनी के मालिक तो हैं लेकिन सर आप ऐसा सिर्फ कह सकते हैं कर नहीं सकते तो बताइए ना सर क्या आप अभी भी हम इस नौकरी से निकालना चाहते हैं किस गधे ने तुमसे ये कहा क्या कर रहे तू इसी गधे ने तो कहा अरे बॉस जैसे भी है बॉस इज ऑलवेज राइट समझा क्या कह रहे थे आप बॉस हाँ जॉनी मैं तुमसे ये कह रहा था कि आज से मैं तुम्हारी सैलरी में 50% इंक्रीमेंट करता हूँ सो एंजॉय धन्यवाद सर धन्यवाद वैसे सर गधे से याद आया मिस्टर वेला और मिस्टर विकी आप लोग भी थोड़ा काम कर लिया कीजिए कभी कभार हो सकता है शायद आप लोग की भी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों नौकरी से ही हाथ धो बैठो है ना मिस्टर वेला हुँ? हो सकता है ओके सर सी यू बाय हाँ व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय
अब तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे कि कुछ काम भी करोगे? प्लीज गो टू वर्क, कम ऑन गो। यार विला, ये दबंग के जादू के आगे हमारा कोई भी पैतरा कैसे चलेगा? लेट मी थिंक। यस, आगे आइडिया क्या? ये दबंग के जादू के आगे हमारा कोई भी पैतरा कैसे चलेगा? मुझे सवाल का जवाब चाहिए था, वेरिएशन में सवाल नहीं। मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। चल गए। सुमन जी, दिस इज फॉर यू। यू वेलकम सुमन जी। वैसे इस पर्स को देखते ही हमें पता चल गया था ये पर्स आपको बहुत पसंद आएगा। आया ना? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ओह कम ऑन सुमन जी, अगर हम आपसे पूछें कि आपको इतना खूबसूरत होने की क्या जरूरत थी तो क्या जवाब देंगी आप? बताइए ना। हम बताता है, देखो छोटी छोटी बोल रहे डॉक्टर। बस 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 मिस्टर गांगुली, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों? अब आपको लगता है कि आप खुद एक भूत है? ना, अब नहीं लगता है, थोड़ी देर पहले लग रहा था। हमको लगा कि हम घोस्ट गांगुली बन गए। हम असल में चतुर गांगुली ही है, किंतु घोस्ट गांगुली चतुर गांगुली पे हावी हो गया था। बोलो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक भूत है? ना, हमको नहीं लगता है, हमको उसने बताया कि हम भूत आए। किस बेवकूफ ने आपको बताया कि आप भूत है? अरे एक लड़का था जो लड़की का पैजामा पहना था। यही तो है, यही है जिसने हमको बोला था कि ये भी भूत है, हम भी भूत है। बोलो। अरे बाप रे, इसने तो चतुर जी को भी हिप्नोटाइज कर दिया। विला, ए पजामा किधर है तुम्हारा? चतुर जी आप कैसे हैं? अरे हमारा छोड़ो, ये भूत है। चतुर जी आप क्या क्या कह रहे हैं? ये भूत है। ये भूत नहीं, हमारी कंपनी के नए जनरल मैनेजर है मिस्टर जॉनी। जॉनी, कमाल करते हैं मिस्टर। आज से पहले तो आपको कभी देखा नहीं। यहाँ कौन है आप? क्या ये? डांस कर रहे थे हम दोनों एक साथ, हमारा मुंह पे झूठ बोलते हैं। सॉरी मिस्टर जॉनी, इनकी बातों का बुरा मत मानना, इनका थोड़ा क्या गोल गोल हम पागल है क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर गांगुली, आप मेरी केबिन में जाकर बैठिए, मैं आपको आकर मिलता हूँ। जानो आपका केबिन में क्या रखा है जो बैठेंगे? इधर भूत आए। मिस्टर गांगुली, इस बार मुझे आपको डबल डोज वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा, चलेगा? हम चलेगा केबिन में। गुड, आप कैसे चतुर जी? क्यों पूछा मैं? सॉरी जॉनी बिकरा, उनकी बातों के बुरा मत मानना, ये मिस्टर चतुर गांगुली है ना, जिसको हर जगह भूत ही नजर आता है। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अब प्रिया डिक्री को ही देखो। उन्हीं को तो कब से देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मतलब कि चतुर गांगुली की तरह प्रिया डिक्री को भी हर जगह जीनी नजर आती है। डॉक्टर अंकल, मुझे हर जगह जीनी नहीं नजर आती, बल्कि वो जहाँ होती है वही नजर आती है। सॉरी प्रिया डिक्री, एक्सक्यूज मी प्लीज। सुमन जी, ये जीनी कौन है? देखा, येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, मतलब जीनी का गांव वाला पूछा है जीनी कौन है। बताइए ना सुमन जी, कौन है ये जीनी? है एक लड़की जो हाथ धो के विकी के पीछे पड़ी हुई है। लड़की? विकी जी ये क्या कह रही है, एक लड़की आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है? बेबी व्हाट इज दिस, जब देखो जीनी 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 जीनी, जबकि मेरा जीनी के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। तुम तो कुछ बोलो ही मत, अगली बार अगर मैंने तुम्हें उस जीनी के साथ देखा ना, तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना, forever। भाई, हाँ? मौका अच्छा है, लपेट लो, वैलेंटाइन का एक्सचेंज मेला। बेला, तेरी मर्जी, मैं तो आइडिया दे रहा था। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, मुझे तुमसे बाहर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी ना, पर मैं क्या करूं, जब उस जीनी का नाम सुनती हूं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ, और वो सारा का सारा गुस्सा तुम मुझ पर निकालो। स्वीटी पाई,
सॉरी कहा ना। ठीक है, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं हो सकता। ओके। ऐसे कैसे ठीक है, मैं तब मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया जब हम साथ कॉफी पे चलेंगे। अरे वाह, निकी और पूछ जाने की क्या जरूरत है, मैं भी कॉफी मंगवाता हूँ। नहीं पाए। हाँ? यहाँ नहीं, कॉफी शॉप में। अच्छा, कितने बजे? ठीक आधे घंटे बाद 3 बजे नीचे वाली कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके ओके, एट 3 आई विल सी यू देयर। मैं वेट करूंगी फिरी पाए। या बाय बाय। सुमन जी हम आ रहे हैं। नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब भी तुम मेरा नाम उस जीनी के साथ लेती हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे मुझे उसका नाम लेने में बहुत मजा आता है। कितना गुस्सा करोगी अपनी सूटी पाई पर? भूल जाओ सबको, भूल जाओ उस जीनी को, सिर्फ तुम और मैं कॉफी पीने चले। कॉफी? हाँ, जहां हम बहुत सारी रोमांटिक बातें करेंगे एक छोटे से कॉफी कप के साथ। हाउ रोमांटिक, कब चले? 3:15 बजे नीचे वाले कॉफी शॉप पर। I'll wait for you. I'll be there. Bye. Bye. How sweet. चलो सारी तैयारियां हो गई, अब कॉफी शॉप चलते हैं। पांडे जी हमारे। टेबल फॉर मी। थैंक गॉड प्रिया का मूड खुद बहुत ठीक हो गया, वरना ये जॉनी का बच्चा तो बैंड बजा के रहता। ग्रैंड मास्टर का कुछ करना पड़ेगा, मेनू तो देख लो। पांडे जी आज तो आप गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.